आज के लेक्चर में अपन टर्मिनेशन की बात करेंगे। देखो, मैंने आपको बताया था कि जो वेवगाइड है, वेवगाइड और दूसरा ट्रांसमिशन लाइन, दोनों क्या काम करती है? जो पावर है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रोपोगेट करती है, या एनर्जी को क्या करती है? ट्रांसमिट करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनोदर पॉइंट। यानी वेवगाइड और ट्रांसमिशन लाइन एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर टर्मिनेट यानी प्रपोगेट करती है। अब जो वेव प्रपोगेट हो रही है या जो पावर प्रपोगेट हो रही है, उसको किसी भी पॉइंट पर अपने को एग्जेक्ट भी करना है, इजेक्ट भी करना है, तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं? टर्मिनेशन ही करते, टर्मिनेट करना पड़ेगा। और जो टर्मिनेशन और ट्रांसमिशन लाइन और वेव गाइड है, उसको किसकी सहायता से किया जाता है? मैच लोड और वेरिएबल शॉर्ट सर्किट। यानी वेवगाइड और ट्रांसमिशन लाइन क्या काम करती है? एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रपोगेट। तो जिस पॉइंट पर अपने को इसको जिस पॉइंट पर इसको टर्मिनेट करना है, उस पॉइंट पर अपन क्या यूज़ करेंगे? मैच लोड या क्या यूज़ करेंगे? वेरिएबल शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो जो टर्मिनेशन है वो लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। और कब यूज किया जाता है? जब स्कैटरिंग पैरामीटर का अपने को इम्पीडेंस मेजर करना हो, यानी माइक्रोवेव जो सर्किट एलिमेंट है उसमें उसका अगर अपने को स्कैटरिंग पैरामीटर यूज करना है, तो उस केस में अपन मैच लोड का या टर्मिनेशन यूज में लेते हैं। तो टर्मिनेशन के लिए क्या करते हैं? उसके एक पॉइंट पर, एंड पॉइंट पर एक लोसी, यानी अपने को जिस पॉइंट पर इसको टर्मिनेट करना है, उस पर क्या करते हैं? एक स्लेब ऑफ लोसी मटेरियल वहां पर अपन डाल देंगे, जिससे क्या होगा? इंसर्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा? ये जो इंसिडेंट पावर है उसको कंप्लीटली इस मटेरियल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाए। ठीक है, और इसको टेपर इसलिए करते हैं, ये एक तरफ से देखो ऐसे टेपर कर रखी है, तो ये जो टेपरिंग है ये क्यों करते हैं? टेपरिंग इसलिए करते हैं कि रिफ्लेक्शन उससे अवॉइड हो, एकदम से जो इंसिडेंट वेव इस पे इंसिडेंट हो तो वहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं हो, इसलिए इसको टेपर करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया टर्मिनेट। अब इसको एटीन्यूट करना हो अपने को, यानी कमी करनी हो, ये तो कम्प्लीटली टर्मिनेट हो गया। अब इसको अगर एटीन्यूट करना हो तो क्या करेंगे अपन? तो देखो, नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है एटीन्यूटर, एटीन्यूटर का मतलब होता है कमी करना, एटीन्यूट करना, यानी जो भी पावर वन पॉइंट टू अनोदर पॉइंट पर प्रोपोगेट हो रही है उसमें कमी कर देना। तो वो दो तरीके से कमी की जा सकती है। एक, दो टाइप के एटीन्यूटर होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के। एक होता है फिक्स एटीन्यूटर और एक होता है वेरिएबल एटीन्यूटर। अब देखो, नाम से ही वेल नोन है फिक्स एटीन्यूटर। फिक्स एटीन्यूटर का मतलब क्या है? एक फिक्स अमाउंट में पावर को एटीन्यूट करेगा, यानी इसका इम्पोर्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि अपने को तो ये यानी हर एपरेटस के लिए या जितनी पावर एटीन्यूट करनी है उसके लिए अगर फिक्स एटीन्यूटर बनाना है तो अपने को वो एक बार ही बनेगा, यानी हमेशा वो एक फिक्स अमाउंट में ही पावर को एटीन्यूट करेगा। लेकिन जो वेरिएबल एटीन्यूटर है वो क्या काम करेगा? वेरिएबल अमाउंट में
पावर को एटीन्यूट करेगा, या इसकी सहायता से अपन एटीन्यूशन को कम ज़्यादा एक मिनिमम रेंज टू मैक्सिमम रेंज तक अपन क्या कर सकते हैं, इसको एटीन्यूट कर सकते हैं। तो इसी का दूसरा नाम भी वेरिएबल जो एटीन्यूटर होता है, इसी का जो अनदर नाम है वो क्या होता है, प्रिसीजन, प्रिसीजन एटीन्यूटर, यानी वेरिएबल एटीन्यूटर को ही प्रिसीजन एटीन्यूटर भी बोलते हैं। और इसका जो एक टाइप है, जो वेरिएबल एटीन्यूटर है इसका एक टाइप है, वो है रोटरी एटीन्यूटर, रोटरी एटीन्यूटर, क्या है, रोटरी एटीन्यूटर, ठीक है। तो अपन यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, जो रोटेटरी एटीन्यूटर है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो रोटरी एटीन्यूटर क्या होता है, अब अपन क्या पढ़ने वाले, जो वेरिएबल एटीन्यूटर है उसका जो टाइप है रोटरी एटीन्यूटर, उसके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ते हैं कि वो कैसे एक मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज में पावर को एटीन्यूट करता है। तो देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, रोटरी एटीन्यूटर, ठीक है। तो रोटरी एटीन्यूटर होता है उसमें भी तीन सेक्शन होते हैं, कितने सेक्शन होते हैं, तीन सेक्शन, ये इसका फर्स्ट सेक्शन होता है। और ये जो फर्स्ट सेक्शन है ये कौन सी वेव गाइड है, रेक्टेंगुलर वेव गाइड, RWG, इसका मतलब क्या है, रेक्टेंगुलर वेव गाइड, ठीक है। जो सेकंड सेक्शन है ये रोटरी है, इसको मतलब इसको घुमा सकते हैं अपन, क्या कर सकते हैं, इसको घुमा सकते हैं, ये सॉरी इसको घुमा सकते हैं ऐसे, यानी ये मूवेबल है। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, रोटरी सेक्शन ऑफ सर्कुलर वेवगाइड। और ये लास्ट वाला वापस से क्या है, RWG, रेक्टेंगुलर वेवगाइड। अब इनमें क्या रखते हैं अपन, रेजिस्टिव कार्ड रखते हैं। रेजिस्टिव कार्ड आपको मैंने पहले भी बताया था क्या काम करता है, ये पावर को एब्जॉर्ब, जो लाइट इसके पैरेलल होगी और परपेंडिकुलर को एटीन्यूट पे पास करेगा। तो ये जो तीनों है, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, ये क्या है, रेजिस्टिव कार्ड। और रेजिस्टिव कार्ड क्या काम करते हैं, पावर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, समझ आ गई बात। अब यहाँ पर ये जो रोटरी सेक्शन है इसको अपन मूव करा सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो ये जिस एंगल पे होगा रजिस्टिव कार्ड उस पे क्या कर देगा, पावर को टू कंपोनेंट में डिवाइड कर देगा, एक पैरेलल कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है, समझ आ गई बात। तो देखो कैसे काम करेगा, लाइट यहाँ से डालेंगे तो ये अपन लाइट इसके परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये क्या करता है, पैरेलल को तो एब्जॉर्ब कर लेता है और परपेंडिकुलर को पास होने देता है, ठीक है। तो लाइट इस पर डाली परपेंडिकुलर, इस पर भी लाइट अगर आती है तो परपेंडिकुलर, और इस पर भी परपेंडिकुलर। इसका मतलब एक केस में अपने को यहाँ से यहाँ पर अगर जा रहे हैं तो मैक्सिमम पावर अपने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको घुमा दूँ, क्या कर दूँ, इसको घुमा दूँ तो किसी एंगल पे हो जाएगा, ये भी इंसिडेंट पावर, और किसी एंगल पे आ गया तो वो टू कंपोनेंट में डिवाइड कर देगा, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर, पैरेलल को एब्जॉर्ब कर देगा और परपेंडिकुलर को पास होने देगा। तो सबसे पहले इसका ध्यान से समझ लो,
तीन सेक्शन है रोटरी एटीन्यूटर के, एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड, एक सर्कुलर वेवगाइड और एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड। सर्कुलर वेव तीनों में रजिस्टिव कार्ड रखें। रजिस्टिव कार्ड क्या काम करता है, जो इसके परपेंडिकुलर लाइट है उसको पास होने देता है, जो पैरेलल है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब एक केस में ऐसा है कि तीनों के जो केस में जो ये रजिस्टिव कार्ड है यहाँ से लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं उनके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो यहाँ से यहाँ पर अपने को मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा लाइट का। लेकिन मैं ये जो बीच वाला सेक्शन है ये घूम सकता है, रोटरी कर रहा है यानी घूम सकता है, घूम सकता है तो जैसे जैसे मैं इसको घुमाता जाऊंगा तो ये क्या करेगा, पावर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इस केस में अब ये लाइट के परपेंडिकुलर ना होके किसी एंगल पे टिल्ट हो जाएगा, और जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाएंगे एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा, एक केस में क्या हो जाएगा मैक्सिमम, और उसके बाद में वापस से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर वापस से उसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझे? तो अब क्या करना है अपने को, यानी इसको एक तरीके से अपन समझना चाहिए तो कैसे समझ सकते हैं। मान लो ये यहाँ से लाइट परपेंडिकुलर आई और इस पे ये बीच का सेक्शन है, और इस पे जो लाइट है अपनी, यही जो बीच का रेजिस्टिव कार्ड है, ये लाइट के कितने एंगल पे हो गया, अब थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे हो गया, तो ये क्या काम करेगा, अब इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, क्या कर देगा, डीकम्पोज कर देगा, और डीकम्पोज करके क्या करेगा, एक तो इसी डायरेक्शन में प्लस एक इसके परपेंडिकुलर, तो कौन सी वाली को पास होने देगा, परपेंडिकुलर वाली को पास होने देगा, और जो पैरेलल वाली है उसको कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो इसकी कुछ अपन डेरिवेशन करते हैं और लास्ट में देखते हैं कि जो आउटपुट है वो कितना मल्टीपल होके आएगा या डायरेक्टली कितना एटीन्यूट होके मिलेगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, और फॉर TE11 डोमिनेंट मोड के लिए ये अपन लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, E J1 RH अपॉन R cos phi AR के प्लस, ये R रेडियल पार्ट का कंपोनेंट है, ऐसे ही phi वाले का लिखना है, तो -H J1 prime R H sin phi A theta के, ए फाई के, फाई लिख रहे हैं यहाँ तो ए फाई के, एक नंबर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन है। J1 RH अपॉन R, J1 यहाँ पर क्या है, बेसल फंक्शन है, बेसल फंक्शन, तो J1 RH अपॉन R cos phi AR के -H J1 prime RH sin phi A phi के। ठीक है, अब अपन क्या काम करते हैं, जो साइन फाई है उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, साइन फाई माइनस थीटा प्लस थीटा, तो ओवरऑल इफेक्ट साइन फाई बचेगा, थीटा से थीटा कैंसिल होगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, इसको ए मान लो इसको बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ऐसे ही कॉस को भी टू पार्ट्स में लिख लो, तो कॉस फाई माइनस थीटा प्लस थीटा, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, चलो वैल्यू पुट कर दो, तो इस वाले में वैल्यू पुट कर दो तो क्या वैल्यू आएगी, J1 RH अपॉन R कोस फाई की जगह ये लिख दो कंप्लीट, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, कोस फाई माइनस थीटा कोस थीटा माइनस साइन फाई माइनस थीटा साइन थीटा, और -H J1 prime R H साथ में ए आर केप यहाँ, और यहाँ ए फाई केप
इसकी बाहर साइन फाई की वैल्यू पुट करनी है, तो साइन फाई माइनस थीटा कोस थीटा प्लस कोस फाई माइनस थीटा साइन थीटा। एक बार कोस थीटा वाले कंपोनेंट लिख लो, तो कोस थीटा में यहाँ क्या है, जे वन आर एच अपॉन आर ए आर के साथ में कोस फाई माइनस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे कोस थीटा का कंपोनेंट माइनस एच जे वन प्राइम आर एच ए फाई के साइन फाई माइनस थीटा, प्लस दूसरा साइन थीटा का कंपोनेंट लिख लो, यहाँ क्या बचेगा, माइनस जे वन आर एच अपॉन आर ए आर के साइन फाई माइनस थीटा, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस एच जे वन प्राइम आर एच ए फाई के कोस फाई माइनस थीटा, ठीक है। ये मैंने टू पार्ट्स में कन्वर्ट कर लिया, इससे क्या फ़ायदा हुआ, देखो एक कोस थीटा, कोस थीटा कौन सा कंपोनेंट होता है उसका, पैरेलल कंपोनेंट, और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब मैंने आपको बताया था कि जो रेजिस्टिव कार्ड है वो किसको पास करेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट को पास करेगा, और जो पैरेलल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब। तो ये तो जो पार्ट है ये तो कौन सा पार्ट है, पैरेलल, और ये जो पार्ट है ये कौन सा है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो पैरेलल कंपोनेंट को वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब, और परपेंडिकुलर को एन एटीन्यूट पास होने देगा। इसका मतलब जो सेकंड पोर्शन है सर्कुलर वेवगाइड को अपन ने घुमाया, तो उससे जो पास होने वाला कंपोनेंट है केवल यही बचेगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है ई प्राइम, वो कितना मिलेगा, साइन थीटा का जो कंपोनेंट है, यानी जो साइन थीटा के साथ में कंपोनेंट है वो मिलेगा। तो माइनस में बाहर निकाल लूँ, तो माइनस साइन थीटा जे वन आर एच अपॉन आर ए आर के साइन फाइव माइनस थीटा प्लस एच जे वन प्राइम आर एच ए फाइव के कोस फाइव माइनस थीटा। अब देखो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, तीन सेक्शन थे अपने पास में, फर्स्ट सेकंड थर्ड। लाइट यहाँ इस पे डाली, इस पे परपेंडिकुलर लाइट आई थी, यहाँ से वो अनएटीन्यूट पास हो गई, ये किसी एंगल पे है, थीटा पे, ठीक है, ये थीटा पे है, तो उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, एक कोस कंपोनेंट एक साइन, ये परपेंडिकुलर ये पैरेलल, तो ये तो एब्जॉर्व हो गया, जाने किसको देगा, साइन वाले कंपोनेंट। अब वो जो लाइट यहाँ पर अपने को मिल रही है टू से जाने के बाद, वो थर्ड के क्या परपेंडिकुलर होगी क्या, ज़रूरी नहीं है वो थर्ड के परपेंडिकुलर हो, क्योंकि अपन ने इसको रोटेट कर दिया ना थीटा पे, तो ये उसको टू कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर, ठीक है। तो वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट अब इस थर्ड के ज़रूरी नहीं है परपेंडिकुलर हो, अगर वो वापस से इसके किसी एंगल पे होगा तो वापस से अपने को इसको किस में डिवाइड करना पड़ेगा, टू कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या इसको वापस से क्या लिख सकता हूँ, माइनस साइन थीटा जे वन आर एच अपॉन आर ए आर के क्या होगा, ये साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी प्लस एच जे वन प्राइम आर एच ए फाई के क्या होगा, कोस ए कोस बी माइनस माइनस साइन ए साइन बी। अब देखो वापस से इसमें दो कंपोनेंट आ रहे, एक कोस और एक साइन, यानी कोस के और एक साइन के, कोस वापस से वही पैरेलल, तो थर्ड वाला क्या कर लेगा, पैरेलल वो एब्जॉर्ब, परपेंडिकुलर को इसका मतलब साइन के जो साथ है, तो साइन को अगर बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा जे वन आर एच अपॉन आर ए आर के क्या बच रहा है, कोस फाई माइनस और एक साइन बाहर आ गया प्लस एच जे वन प्राइम आर एच ए फाई के किसके साथ बात करनी है अपने को, साइन के साथ, तो ये साइन फाई, माइनस को अगर मैं बाहर निकालूँ ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस,
ये वापस से अपने को पता हो तो इनिशियल मिल गया, क्या मिल गया, इनिशियल कंपोनेंट मिल गया। इसका मतलब जो आउटपुट पावर अपने पास साइन वाला तो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्व हो जाएगा, तो ई आउट क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ई इन। इसका मतलब थीटा पे अगर आप उसको रोटेट कराओगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, इनपुट का साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स अपने को मिलेगा। आगे समझे। और इसी तरह से यहाँ पर अपन एटीन्यूशन भी निकाल सकते हैं। एटीन्यूशन जो एटीन्यूशन होगा वो क्या होगा, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 20 लॉग 10 बेस ई इन अपॉन ई आउट, ठीक है। ई इन और ई आउट क्या है, 20 लॉग 10 बेस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसको ऊपर लेके जाओगे तो माइनस 40 लॉग 10 बेस क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये अपने पास में आ जाएगा अल्फा एटीन्यूशन कांस्टेंट, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, एटीन्यूट। क्लियर है सबको। अब अपन बात करते हैं फेज शिफ्टर। फेज शिफ्टर नाम से वेल नोन है, जो इनपुट और आउटपुट पावर है उसमें एक एडजस्टेबल फेज प्रोड्यूस कर देगा। यानी फेज शिफ्टर क्या होगा, फेज शिफ्टर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूस एन एडजस्टेबल चेंज इन द फेज। क्या करेगा, ये फेज को एडजस्ट कर देगा या फेज में चेंज कर देगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, फेज शिफ्टर, ठीक है। अब जो फेज शिफ्टर है इसका जो टाइप है एक, वो क्या है, प्रिसीजन फेज शिफ्टर या रोटरी। प्रिसीजन फेज शिफ्टर, देखो इसकी जो डेरिवेशन है वो तो आपसे पूछता नहीं, और इसमें क्या काम करता है वो आपसे, केवल इसकी आपको वर्किंग पूछता है, ठीक है। तो वर्किंग में क्या होता है, इसमें भी वही सेम तीन कंपोनेंट होते हैं, दो रेक्टेंगुलर वेव गाइड के और एक वही रेक्टेंगुलर वेव गाइड है, ये भी रेक्टेंगुलर वेव गाइड, ये सर्कुलर वेव गाइड, ये वापस से वही रोटरी सेक्शन है इसका। कौन सा सेक्शन है, रोटरी सेक्शन। इस बार रजिस्टिव कार्ड की जगह अपन क्या लिखते हैं, इसमें क्या लगाते हैं, प्लेट लगाते हैं, ये जो प्लेट है ये होती है लैम्डा बाई फोर प्लेट। एक प्लेट यहाँ लगानी है, ये भी लैम्डा बाई फोर प्लेट, और एक प्लेट यहाँ लगानी है, लैम्डा बाई टू प्लेट, ठीक है। एक लैम्बडा बाई फोर को क्वार्टर वेव प्लेट बोलते हैं, और जो लैम्बडा बाई टू है उसको अपन बोलते हैं हाफ वेव प्लेट। इसका मतलब जो अपन ने पिछले केस में एटीन्यूटर फटा था उसमें रजिस्टिव कार्ड लगाए थे, और जो फेस शिफ्टर है उसमें रजिस्टिव कार्ड को किससे रिप्लेस कर देंगे, प्लेट से, क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट से अपन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो जो क्वार्टर वेव प्लेट है वो क्या काम करती है, जो लीनियर पोलराइज लाइट है उसको सर्कुलर पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करती है। तो मैं इसको लिखवा देता हूँ, जो क्वार्टर वेव प्लेट है वो क्या काम करती है, लीनियर जो पोलराइज लाइट है उसको सर्कुलर पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करती है, और वाइस वर्सा सर्कुलर को लीनियर पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करती है।
और जो हाफ वेव प्लेट है वो क्या करती है, जितने एंगल से वो लाइट आ रही है उस पर, उसको 2 थीटा से रोटेट करती है। जो हाफ वेव प्लेट है वो क्या करती है, अगर इंसिडेंट लाइट थीटा पे है, कितने पे, थीटा पे, तो वो कितने से उसको रोटेट कर देगी, 2 थीटा से रोटेट कर देगी, यानी ट्वाइस। ठीक है, अब देखो इसमें जो सर्कुलर पोलेराइज फील्ड है उसमें दो प्लेन पोलेराइज फील्ड होंगे, एक्स पी कंपोनेंट भी होगा और वाई कंपोनेंट भी, और दोनों इक्वल एम्पलीट्यूड में होंगे। जो सर्कुलर सर्कुलर पोलेराइज लाइट बनती है वो प्लेन पोलेराइज से ही बनती है, लेकिन दोनों कंपोनेंट होते हैं इसमें, और दोनों आउट ऑफ फेज क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, और जो क्वार्टर वेव प्लेट है वो किससे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के एक स्लेब से कंसिस्ट होती है। ठीक है, तो इसका जो एक्चुअल ओवरऑल बिहेवियर है वो क्या होगा, बीटा वन माइनस बीटा टू एल इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, अगर बीटा वन इज ग्रेटर देन फॉर बीटा टू होगा, यानी अपन इसमें बात करें कि जो क्वार्टर वेव प्लेट है वो क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के स्लेब से बनी हुई होती है। अगर टी वन वन मोड पोलेराइज पैरेलल टू द स्लेब है तो क्या होगा, बीटा वन इज ग्रेटर देन बीटा टू, और अगर वो उसके परपेंडिकुलर है तो, यानी जो टी वन वन मोड है इसमें अगर बीटा वन और बीटा टू को ग्रेटर देखना है, तो टी वन वन मोड है, अगर वो पैरेलल पोलेराइज है, पैरेलल पोलेराइज है, तो बीटा वन ग्रेटर देन बीटा टू, और अगर वो परपेंडिकुलर पोलेराइज है तो उस केस में क्या होगा, बीटा टू ग्रेटर देन बीटा वन। ठीक है, तो जो क्वार्टर वेव प्लेट है वो उसको रेक्टेंगुलर वेव गाइड में 45 के एंगल से उसको रोटेट करा देते हैं, तो उस केस में भी वो इनकमिंग क्या होगा, वही दो मोड में क्या हो जाएगा, वन एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर, और उसकी भी अपन लास्ट में डेरिवेशन करके निकालते हैं, तो लास्ट में जो आउटपुट आता है, इनपुट तो वही रखना है जे वन आर एच अपॉन आर, अब की बार जो थीटा है उसको पाई बाई फोर ले लेना, और लास्ट में अगर आपको ई आउटपुट चाहिए, इसमें मैं आपको फॉर्मूला लिखा देता हूँ, वैसे इसका डेरिवेशन नहीं पूछा जाता कभी भी, जो आउटपुट है उसकी वैल्यू आएगी ई की पावर -4 आयोटा बीटा वन एल -2 थीटा ई। टू थीटा आयोटा कॉमन आएगा दोनों में, 2 आयोटा थीटा, ये अपने को आउटपुट पावर मिलेगा किसी फेज के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइट है अपने को वो 4 बीटा एल बीटा 1 प्लस 2 थीटा के फेज से अपने को मिल जाए। ठीक है, समझ आ गए, तो ये आपको फेज शिफ्टर और क्या पढ़ाया, रोटरी एटीन्यूटर।